उत्तराखंड की धामी सरकार की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। रोडवेज की जर्जर बस में यात्री के हाथ में बोल्ट घुस जाता है, पीड़ित को अस्पताल ले जाया जाता है, वहां सर्जरी करने के लिए कोई चिकित्सक नहीं होता और घंटों पीड़ित दर्द से तड़पता रहता है। उत्तराखंड रोडवेज की बस पिथौरागढ़ से लोहाघाट जा रही थी, तभी बस कंडक्टर द्वारा बस का दरवाजा बंद करते समय यात्री त्रिलोक सिंह के हाथ में दरवाजे के कब्जे का बोल्ट कब्जे सहित घुस गया। ऐसे में दर्द से तड़पते यात्री को यातायात कांस्टेबल हेम मेहरा निजी वाहन से लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय ले गए, जहां सर्जन नहीं होने से डॉक्टर बीना मेलकानी ने हाथ से बोल्ट निकालने में असमर्थता जाहिर कर दी। यात्री त्रिलोक सिंह के परिजन उन्हें चंपावत जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। एक बार फिर लोहाघाट अस्पताल की बदहाली पर उन लोगों ने आक्रोश जताया और कहा कि अगर अस्पताल में सर्जन होता तो मरीज को ऐसे भटकना नहीं पड़ता। पीड़ित त्रिलोक सिंह 2 घंटे तक हाथ में घुसे बोल्ट को लेकर भटकते रहे और दर्द से कराहते रहे। इस घटना से धामी सरकार की बदहाली की दास्तान सामने आ गई है। हाथ में घुस गया है, लेकिन यहाँ से फिर इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। उसको अगर हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो हड्डी में चोट हो सकती है अंदर, और दूसरा ये हो सकती है जो खून की नलियाँ हैं उनमें चोट आ सकती है, तो ब्लीडिंग रोकने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सर्जन और ऑर्थोपेडिक के लिए रेफर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।